हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी। कल की क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट एंड साइक्लिसिटी देखा था और आज की क्लास में हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले बता देते हैं कि कल जो हम लोग यूनिट डिजिट एंड कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी देखे थे, तो हो सकता है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ होगा कि समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए आज के क्लास में हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर कर लो कि यूनिट डिजिट से किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप लोग को किस तरीके से बनाना है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जो ये संख्या दिया हुआ है कि इस संख्या का इकाई संख्या क्या होगा, इस संख्या को जब हम लोग गुना करेंगे तो इसमें जब जो हम लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें बताना है कि हमारा इकाई संख्या क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए? इसको बताने का दो प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस, आप लोग क्या करोगे, जिसको अगर यूनिट डिजिट निकालने का अगर तरीका नहीं पता है तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे 268 है और 453, सबसे पहले वो लोग गुना करेंगे। 8 × 24 = 36 = 18 × 19 = 20 × 3 = 6 = 7 = 8 8 × 5 = 40 6 × 5 = 30 4 × 4 = 34 3 × 5 = 10 = 13 8 × 6 = 32 6 × 6 = 24 25 – 26 – 27 2 × 4 = 8 9 = 10 4 × 0 = 6 8 × 6 = 14 7 × 10 = 11 1 × 2 = 121 404 जब उस लोग का आंसर आ जाएगा 121 404, तो वो लोग क्या करेंगे, तब उस लोग को पता चलेगा कि ओ इकाई संख्या मेरा 4 आया। आप लोग को ये चीज नहीं करना है एग्जाम में, गलती से भी आप लोग ऐसा अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। ठीक है, देखो हम लोग जो प्रोसेस पढ़े हैं उसके अनुसार क्या होता है कि जैसे ही कितना बड़ा गुना क्यों नहीं दे दिया जाए, यूनिट डिजिट का मतलब होता है कितना भी बड़ा संख्या, फॉर एग्जांपल जैसे 8 6 3 4 5, इसमें अगर पूछता है कि इकाई संख्या क्या होगा तो बिना कुछ सोचे आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 5। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं, अगर जैसे संख्या है 268 × 453, इकाई संख्या पूछ रहा है मींस 8, इकाई संख्या पूछ रहा है यानी 3, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कितना भी बड़ा क्यों नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, तो इतना बड़ा संख्या में आपका इकाई डिजिट निकला 8 मल्टीप्लाई, और इसमें निकला मेरा 3, दोनों को मल्टीप्लाई करो 8 × 24। यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई संख्या पूछ रहा है, हमको दहाई से कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा 4। आप लोग को ये प्रोसेस करना है, यहाँ तो मैं समझा के बता रही हूँ, एग्जाम में देखो कितना जल्दी क्वेश्चन बनने वाला है। डायरेक्ट देखो कि मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, यूनिट डिजिट 8, यूनिट डिजिट 3, 8 × 24 आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आप लोग को इसी तरीके से बनाना है, ये प्रोसेस गलती से भी आप लोग यूज मत करना। ठीक है, नहीं तो टाइम लेप्स हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, फिर से यही है 753 × 43 × 1236 × 864, ये नहीं गुना मत करने लगना, सबका यूनिट डिजिट काउंट कर लो। पहले वाले संख्या का करते हैं तो 3 गुने, दूसरे वाले का करते हैं तो 3 गुने, इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा यानी 6 गुने, और इसमें क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखो इसमें भी बहुत कोई पूरा गुना कर, 3 × 3 = 9 × 6 = 54 × 54 = something जो भी है, देखो क्या करना है, 3 × 3 = 9 × 6 = 24, या तो आप लोग करो कि 24 × 9 = 216, ठीक है यूनिट डिजिट 6 निकला, नहीं दूसरा प्रोसेस क्या करो, जैसे 9 × 24 है तो यहाँ पे भी हमको 2 से कोई मतलब नहीं है, सब हमको सिर्फ यूनिट डिजिट ही काउंट करना है, तो हमको सिर्फ इकाई संख्या ही सबका देखना है, दहाई सैकड़ा हजार से हमको कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग जहां भी निकालना तो दहाई पूरा पूरी गुना मत करना, इसमें भी टाइम लगेगा, डायरेक्ट 9 × 4 = 9 × 6 = 36, 3 से भी कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट क्या हो गया 6, हर जगह यूनिट डिजिट, कोई भी संख्या है 832 ये नहीं, यहां से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई संख्या से पता ही, इकाई संख्या 2 है, आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 25 × 26 है, बोलेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई संख्या बताना, तो ये नहीं 25 को 26 से गुना करने लगना फिर जो आंसर आ जाएगा तो उसमें इकाई संख्या बताना, डायरेक्ट हमको 2 से मतलब नहीं है, 2 से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट 5 है, 6 कर दो, 6 × 5 = 30, 3 से कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा
जीरो आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग को इसी तरीके यही प्रोसेस करके बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द यूनिट डिजिट इन इतना, इसमें भी हमको यूनिट डिजिट इकाई संख्या हम लोग को फाइंड करना है। कल के साइक्लिसिटी में हम लोग बताए थे कि वन, वन पे पावर समथिंग कुछ भी रहेगा ना, वन पे पावर कुछ भी रहेगा तो मेरा वन ही होगा। वन पे पावर कुछ भी डालोगे वन होगा। यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई संख्या पूछ रहा है, इकाई संख्या पूछ रहा है, आप लोग को फाइंड करना है। हमको इस 23 से कोई मतलब नहीं है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, वन पे पावर 49 लिख सकते हो। वन पे पावर कुछ भी करोगे तो क्या आंसर होगा, वन, यानी ये मेरा हो गया यूनिट डिजिट। ठीक है, वन के केस में आपका हमेशा यूनिट डिजिट वन ही होगा। दूसरा देखते हैं कि फाइंड द यूनिट डिजिट, आपका कोई संख्या है 34,3402 पावर 52। बहुत कोई देख के घबरा, इतना का पावर कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है इकाई संख्या आप लोग को निकालना है। इकाई संख्या निकालना है, क्या होगा, इस चार से हमको कोई मतलब नहीं है। इसको आप लोग 2 पे पावर 52 लिखोगे। जब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई संख्या से मतलब है, तो क्या हम इसको हटा के 2 पे पावर 52 लिख सकते हैं। ठीक है, कल के क्लास में हम बताए थे कि 2, 3, 7, 8 इसका यूनिवर्सल साइक्लिसिटी याद रख लेना, चार होता है ये हर सर, 2, 3, 7, 8 हर चार पे रिपीट करता है। ठीक है, जब क्या बोले थे, पावर डिवाइडेड बाय 4। 2, 3, 7, 8 के केस में आप लोग क्या करना, जितना भी पावर आएगा 2 पे पावर जो भी रहेगा तो पावर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4 से आप लोग भाग देना। तो पावर कितना है मेरा, 52 है, 52 में आप लोग 4 से भाग देना। तो 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 एकाएं 4 1 4 3 12 पूरा पूरी कट गया, यानी पूरा पूरी आपका 4 से 52 में भाग लग गया। क्या बताए थे, अगर जब पूरा पूरी भाग लग जाएगा तो जितना मेरा साइक्लिसिटी होता है ना, वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, 2, 3, 7, 8 इस चारों के केस में बता रहे हैं, अगर पूरा पूरी पावर में अगर भाग लग जाता है यानी शेष मेरा 0 बचेगा, तो आप लोग पावर को कन्वर्ट कर देना किस में, 4 में। इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 4, साइक्लिसिटी को कन्वर्ट कर देना 2 पे पावर 4, कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। यूनिट डिजिट फाइंड करना है, क्या हो जाएगा इकाई संख्या, 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट डिजिट यानी इकाई संख्या, इतना बड़ा संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सबका इक्विवेलेंट निकालो। इसके जगह हम लोग 4 पे पावर 1793 लिख सकते हैं गुना, इस पे हम लोग इसके बदले 5 पे पावर 317 लिख सकते हैं, और इसके बदला 1 पे पावर 491 लिख सकते हैं। जैसे ही बोल दिया कि इकाई संख्या हमको निकालना है, तो ये जो 3 को जो आप लोग देख रहे हो ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, यानी बेस जो भी रहेगा ना वहां पे सिर्फ हम लोग इकाई संख्या देखें, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है। तो इस इतना बड़ा संख्या की जगह हम लोग क्या लिखे, 4 पे पावर 1793 बीच में गुना का चिन्ह है, 5 पे पावर 317 गुना 1 पे पावर। अब हम लोग कल पढ़े थे, कल के क्लास में हम लोग ये सब पढ़े थे कि 4 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 5 का क्या होता है और 1 का क्या होता है। 4 का हम लोग पढ़े थे, जैसे 4 पे पावर 1 तो भी 4 था, 4 पे पावर 2 तो 4 चौके 16, 4 पे पावर 3 64, 4 पे पावर 4 कितना था, 256। ठीक है, हर दो पे रिपीट हो रहा है, यानी साइक्लिसिटी 4 का 2। या तो आप क्या करो कि पावर में 2 से भाग दे दो, और ना ही तो दूसरा केस हम लोग बताए थे कि जैसे ही पावर, 4 के केस में बताए थे कि पावर अगर ऑड रहा तो साइक्लिसिटी 4 हो जाएगा, अब पावर अगर इवन रहा तो 6 हो जाएगा, ये तो और इजी है। तो ये क्या आपको ये संख्या क्या दिख रहा है, ये संख्या ऑड है, और ऑड के लिए क्या यूज था, 4
गुने 5 का साइक्लिसिटी हर बार रिपीट हो जाएगा 5 पे ही। हर बार 5 पे पावर कितना भी कर दो, हर केस में इकाई संख्या जो आएगा वो आपका 5 ही आएगा। तो 5 पे पावर इवन रहे ऑड रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर केस में वो 5 ही आएगा। तो इसको 5 हम लोग लिखेंगे गुना। एक के केस में भी बताए थे एक का साइक्लिसिटी हमेशा 1 होगा, कितना भी एक पे पावर दे दो एक ही होगा, ठीक है। अब देखो 5 चौके 20 हमको फाइंड क्या करना है, इकाई संख्या फाइंड करना है। इकाई संख्या यहाँ पे क्या है, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहीं भी आप लोग कंफ्यूज मत करना, क्वेश्चन आप लोग का इसी तरीके से एग्जाम में आएगा, इससे ना ही हार्ड पूछेगा और ना ही इजी, क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कहीं भी कंफ्यूज मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ इतना, बीच में माइनस है, ये तो आप लोग आराम से 795 में से 358 घटा दो, 5 2 7, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 3 गया 4। यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई संख्या क्या होगा इस संख्या का, तो 7, ऑप्शन नंबर। ये सब में कंफ्यूज मत करना, ये सब इजी है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 4137 कोई नंबर है, इस पे पावर दिया हुआ है 754। बार बार बोल रहे हैं हमको इतना से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ इकाई संख्या से मतलब है, दहाई सैकड़ा हजार से हमको कोई मतलब नहीं है। इसको आप लोग 7 पे पावर 754 लिख सकते हैं। क्या बताया था, 7 का साइक्लिसिटी 4 पे हमेशा रिपीट होता है, हर 4 पे रिपीट होता है। यानी क्या करोगे आप लोग, 4 से 754 में भाग दोगे, तो 4 इकाई 4 3, 8 चौके 32, कट गया 3, 8 चौके 32, यानी शेष में क्या बचा, 2। अगर शेष में 2 बचा तो हम लोग क्या बोले थे, शेष में जो भी बचेगा ना वो पावर से इंटरचेंज हो जाएगा। पावर ये था, अब इसके जगह हम लोग 7 पे पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी तो 188 बार में मेरा साइक्लिसिटी बार बार रिपीट हो रहा था, वो मेरा साइक्लिसिटी खत्म हो गया, मेरा बचा क्या, तो 2। तो 754 के जगह मतलब 7 पे पावर 754 जितना वैल्यू आएगा और उसका यूनिट उसका इकाई संख्या जितना होगा उतना ही वैल्यू 7 पे पावर 2 और उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो होगा, यानी दोनों का वैल्यू यूनिट डिजिट तो सेम ही होगा। इसीलिए हम लोग साइक्लिसिटी को हटा दिए, 188 बार में वो हट गया, बचा कितना, शेष जो भी बचा उसको हम लोग पावर से कन्वर्ट कर देंगे, तो 7 पे पावर 2 यानी 7 × 7 = 49, यानी यूनिट डिजिट कितना हुआ, 9, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी इसी तरीके से पूछा जाता है, कंफ्यूज करने की कोई भी बात नहीं, हमको यहाँ पे नंबर कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, 8 9 7 2 1 5, नंबर कितना भी बड़ा क्यों नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ इकाई संख्या से मतलब है, इसका पावर रहे इस मल्टीप्लाई रहे कुछ भी रहे, हमको सिर्फ इससे मतलब है, इससे हमको मतलब नहीं है। सो बिना मतलब का इसमें गुना मत करने लगना, इतना से गुना करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट कल पढ़ाया था, इसीलिए यूनिट डिजिट और साइक्लिसिटी कल के क्लास में पढ़ाया था, इसीलिए मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए तो वो यूनिट डिजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जनरली इसी से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करवा देती हूँ। क्वेश्चन है यूनिट डिजिट फिर से, 3 पे पावर 65 इंटू 6 पे पावर 59 इंटू 7 पे पावर 71। क्या बताई थी, 2 3 7 और 8 इस चारों के केस में आपका यूनिवर्सल साइक्लिसिटी कितना होगा, 4। ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। 2 3 7 8 के केस में हमेशा यूनिवर्सल साइक्लिसिटी 4 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 65 जो मेरा ये पावर आया, 65 पावर पावर में डिवाइड करेंगे, पावर में भाग देंगे किससे, तो 4 से। अगर 65 में 4 से अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, 4 इकाई 4 2 6 चौके 24, 5 में से 4 गया 1। जो भी मेरा अगर शेष नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं, मींस कोई वैल्यू अगर आ जाता है तो हम लोग पावर को उस शेष से कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो भी पावर में अगर हम लोग 4 जो भी वैल्यू आता है
जैसे 2, 3, 7, 8 के केस में हम लोग पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो भी मेरा शेष आता है, अगर शेष आप लोग का 0 आता है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को कन्वर्ट कर देंगे साइक्लिसिटी से, यानी 4 से। किस केस में बता रही हूँ, 2, 3 और 7, 8 के केस में 0 अगर आता है तो पावर को कन्वर्ट कर देंगे साइक्लिसिटी यानी 4 से, ठीक है। अगर नन जीरो मीन्स कोई वैल्यू अगर आ जाता है शेष में, अगर कोई वैल्यू बच जाता है तो हम लोग पावर को कन्वर्ट कर देंगे शेष से। ये अच्छे से आप लोग याद कर लेना, ठीक है। जैसे अभी हम लोग 65 में 4 से भाग दिए तो 16 बार में मेरा साइक्लिसिटी खत्म हो गया, शेष एक बचा, यानी 3 पे पावर 65 को, यानी 3 पे पावर 1। इस दोनों का जो वैल्यू आएगा ना, उसका इकाई संख्या बराबर होगा दोनों के केस में, ठीक है। अब देखते हैं 6 का, याद रखना 6 का साइक्लिसिटी हमेशा 6 पे ही रिपीट होता है। 6 पे पावर 1 6 होगा, 6 पे पावर 2 6×36, 6 पे पावर 3 216। देखो सबका यूनिट डिजिट, सबका इकाई संख्या बराबर है ना, इसीलिए 6 का साइक्लिसिटी हर बार 6 पे रिपीट करेगा। अब 6 पे पावर में इवन रहे या ऑड रहे, वो 6 ही होगा, मींस इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। अब देखो 7 के केस में भी क्या बताए हैं, साइक्लिसिटी 4 हो जाएगा। अब 4 से अगर हम लोग 71 में भाग देते हैं तो 4×4 ये हो गया 3, 1, 7×4 28 कट गया, ये बचा 3, ठीक है। 3 बचा, क्या बोले थे, अगर शेष मेरा अगर नॉन जीरो कोई वैल्यू आ जाता है तो पावर शेष में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 7 पे पावर 71, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 पे पावर 3, ठीक है। अब देखो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 7×7 49, 49×7 343, 49×7 कितना, 9×7 63, 6×7 28, 6×34, ठीक है 343। यानी जो मेरा वैल्यू आया वो आया 3×6×343। बहुत लोग क्या करेंगे, 6×3 18 और 18 को 343 से गुना करेंगे, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को इस 2 डिजिट से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इकाई से मतलब है। तो अब इसको लिख सकते हैं 3×6×3, 6×3 18 = 54। अब 54 में भी हमको 5 से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ इकाई संख्या से मतलब है, यानी क्या, यानी आंसर हो गया 4 आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो जितना बेसिक तरीके से आप लोग को बता रही हूँ, उतना बेसिक तरीके से आपको कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं किया गया होगा। आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारो, लेक्चर देखो, जिसका भी पसंद आता आप लोग देखो, लेकिन इतना बेसिक से आप लोग को कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, जिसको अगर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं पता है तो वो लोग 784 को 618 से गुना करेंगे, जितना वैल्यू आया उसको 917 से करेंगे, फिर जितना वैल्यू आया उसको 7463 से करेंगे। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता है आप लोग को, इकाई संख्या का कंसेप्ट पता है कि इकाई संख्या कैसे निकाला जाता है, कितना भी बड़ा मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं हो, आप लोग आराम से निकाल सकते हो। देखो क्या करना है, 784 6×918 × 917 × 463 है। हमको इतना बड़ा डिजिट से कोई मतलब नहीं, इतना बड़ा डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, मतलब इस 4 से है, मतलब इस 8 से है, हमको मतलब 7 से है, और मतलब हमको इस 3 से है। हमको ये जो 78 पीछे दिया हुआ है, 61 जो दिया हुआ है, 91 और ये, इस सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। ये दहाई से कराई, कितना भी बड़ा डिजिट क्यों नहीं, हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। फाइनली मतलब किस से है, इस 4 से, इस 8 से, इस 7 से और इस 3 से मतलब है, ठीक है। अब फिर से देखो, अगर गुना करोगे तो क्या होगा, 8×4 = 32 × 7 = 21। तो बहुत कोई यहाँ पे भी जाके 32×21 से गुना करेंगे, वो भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग नीचे आते हो वैसे वैसे स्टेप को कम करते जाओ, फिर यहाँ पे जो आप लोग का 32×21 आया है, यहाँ पे भी हमको इस 3 से और इस 2 से हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है इस 2 से और इस 1 से। इकाई संख्या पे जो संख्या दिया हुआ है हमको उससे मतलब है, यानी
दो गुना एक यानी दो, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये है 7 पे पावर 105 है, आपको इसमें इकाई संख्या बताना है। कंसेप्ट बता चुकी हूँ, यूनिवर्सल साइक्लिसिटी 4 होता है, 105 में अगर 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 × 2 = 8, 2 × 7 = 28, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24 कटी या 1 क्या आया। शेष से पावर को रिप्लेस कर देंगे, जो भी मेरा शेष आया जो भी पावर है उससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे, इस वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 7 पे पावर 1 आया यानी 7, ये मेरा आंसर था। जो भी क्वेश्चन आज ली हूँ सारा यूनिट डिजिट के कंसेप्ट पे था, और साइक्लिसिटी जो कल बताई थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जिसका भी साइक्लिसिटी बताई थी उस पे ये सारा बेस्ट क्वेश्चन था। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या नहीं समझ में आया तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।